सिर्फ वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे एंड hmm. uh, अगर आप, आप, आप सोशल मीडिया से अगर आउट हो जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में तो हमें सोशल मीडिया में रहना बहुत ज़रूरी है जैसे अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो दिखता है वो बिकता है hmm. आप दिखाएंगे नहीं अपने आप को तो आप बिकेंगे भी नहीं आई फेल दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन टू डे वर्ल्ड इट हेल्प्स इट हेल्प्स फॉर योर बिजनेस वट बिजनेस यू आर डूइंग आप ट्रैवल में हो आप होटल हो आप होटेलर हो आप कुछ भी इंडस्ट्री में हो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म इवन फॉर पॉडकास्टिंग ऑल्सो तो वीडियो पॉडकास्ट के थ्रू आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं ये मुझे समझ आया मेरी तरफ से एक सर रिक्वेस्ट है आप सबको जो कि इस चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू विजिट आर वेबसाइट वेन्यू डॉट इवेंट्स गुड इवनिंग एवरीबडी माई नेम इज़ मुकेश जग्गा एंड आई एम फ्रॉम द चैनल वेन्यू डॉट इवेंट्स वेन्यू डॉट इवेंट्स एक ऐसा चैनल है जो कि ट्रेवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है उस होटल के अंदर में कितने हॉल्स हैं चाहे वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए हो सकता है और चाहे वेडिंग के लिए हो सकता है और भी उसमें बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है आप जब उसको ब्राउज करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि एक बहुत ही अच्छी तरह से वेबसाइट बनाई गई है जहाँ पर आप एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बिफोर यू वॉन्ट टू डिसाइड कि उस वेन्यू पर मुझे अपना इवेंट करने का नहीं आज मेरे साथ में मिस्टर कपिल गिलानी हैं शुरू उन्होंने अपना कैरियर किया फ्रॉम मॉडलिंग वहाँ से फिर उन्होंने अपना ट्रांजिशन किया टू दी एक्टिंग पार्ट और फिर उन्होंने अपने आप को अपना ट्रांजिशन किया इनटू टू पॉडकास्ट और साथ में वॉइस ओवर अब इससे ज़्यादा मैं उन्हीं से ही जानना चाहूँगा ही स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो इन दी सोशल मीडिया और 4.9 मिलियन उनके व्यूज़ भी आए तो ही हैज़ ए वाइड एक्सपीरियंस एंड देन ही विल एक्सप्लेन अस मोर अबाउट वॉट हाउ ही एज़ ऑन वेलकम मिस्टर किलानी थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर दी लवली इंट्रोडक्शन सर क्या बताएं अपने बारे में नाइनटीन नाइन्टी टू में मैंने ये जर्नी शुरू करी थी और आज तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं एक बारहवीं क्लास का बच्चा पास आउट होता है और एक मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखता है जर्नी अच्छी रही है और मैं तो आज की के यंगस्टर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत है लेकिन हैविंग सेड दैट एक्टिंग लाइन मैंने जब करी बहुत अच्छी गई मैंने काफ़ी आर्ट फिल्म किए तकरीबन डेढ़ सौ से दो सौ एड फिल्म किए हैं फिर वेब सीरीज़ करें देन आया पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल शुरू किया इनफैक्ट एक मेरी रील है जिसमें वी गॉन टू फाइव मिलियन व्यूज़ और वो थैंक्स टू तो सोशल मीडिया ऑर्गेनिक ग्रो करता है सो so, ये छोटी सी जर्नी रही है और बाकी आप और कुछ जानना चाहेंगे इस uh, पॉडकास्ट में तो ज़रूर सो मॉडलिंग 1992 में जैसे आपने कहा शुरू किया जी सो so, किस टाइप के वो मॉडलिंग के आपको कॉन्ट्रैक्ट्स uh, मिलते थे सर uh, देखिए uh, वो जो टाइम था और आज का जो समय है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है तब हमारे सिर्फ एक प्रिंट शूट हुआ करते थे एक फ़ाइल के अंदर हमें एक फ़ोल्डर बनाना था उसके अंदर अपनी पिक्चर्स पोर्टफोलियो बना के पिक्चर्स uh, कोऑर्डिनेटर्स को देते थे और उनसे गुजारिश करते थे कि हमें कोई काम दीजिए उस समय ऐसे ही होता था और जब बेचते थे तो वेट करते थे कि काम आएगा का, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि शक्ल सूरत अच्छी दी है थोड़ा कैमरा कॉन्शियस भी नहीं है और बस काम मिलता क्या और कोई एनी पर्टिकुलर एड्स जो आपने किए हों ऐड तो सर अब इतने सारे किए हैं कि याद भी नहीं है लेकिन हाँ ये सिटी बैंक इज़ वन ऑफ देम आई सी आई सी बैंक है वीड ऑल इंजन ऑयल्स है देन बहुत सारे ऐसे तो नाम दर इज लिस्ट इज़ एंडलेस बट येस दिज आर द फ्यू वंस जो मेरे को अभी तक याद है राइट एंड मॉडलिंग से एक्टिंग एंड देन टू द टीवी वी पॉडकास्ट ये एक ऑल बड़ी डिफरेंट लाइन्स हैं एप्सोल्यूटली एंड आपने वक्त के साथ चलते चलते आप भी चले हैं करेक्ट और जो वक्त के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है एप्सोलूटली मैं भी ट्रेवल से हूँ लेकिन मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया कि सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस क्या Absolutely. है एब्सोल्युटली मैं उनसे पहले इस बात से एग्री नहीं करता था मैं कहता था यार मैं बहुत खुश हूँ जितना बिजनेस मेरे पास आ रहा है बहुत है मुझे अपनी फेस नहीं दिखानी है दो आई वॉज प्रेजिडेंट फॉर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया जहाँ पर कि वी हैड टू मीट दी ब्यूरोक्रेट्स एट सेक्रेटरी लेवल एंड एट द सेंटर एंड एट द स्टेट सेम वे दी चीफ मिनिस्टर्स ऑल मिनिस्टर्स ऑफ टूरिज़म एंड अवर ऑडियंस में हमें टूर ऑपरेटर्स को जाके एड्रेस भी करना होता शाइनेस hmm. कभी नहीं थी मेरे अंदर होनी भी नहीं चाहिए या yeah. बट ये रहता था कि नहीं आई आर वेरी हैप्पी जितना कर रहे हैं शायद उमर कहती थी कि अब इससे ज़्यादा बहुत आगे आने की जरूरत नहीं है बट माई चिल्ड्रन कैप्टॉन परस्यूइंगी कि सोशल मीडिया ही आज का वक्त है सर वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे एंड अगर आप आज सोशल मीडिया से अगर आउट हो जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में तो हमें सोशल मीडिया में रहना बहुत ज़रूरी है जैसे अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो दिखता है वो बिकता है हनी. आप दिखाएँगे नहीं अपने आप को तो आप बिकेंगे भी नहीं तो हमारी इंडस्ट्री जो है फिल्म लाइन की या एक्टिंग लाइन की उसमें आपको अपने आप को दिखाना ज़रूर है और अपने आप को अपने अपने को वक्त से जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट करना है राइट सो साइमल्टेनियसली जब आप कह रहे थे कि जब मैं एक्टिंग में कैसे आया एक्टिंग में जैसे स्विच ओवर किया फिर वीडियो पॉडकास्टिंग में आया क्यों आया क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आपको रेगुलर काम कई बार नहीं मिलता है आपको महीनों महीनों वेट करना पड़ता है तो वहाँ मैंने डिसाइड किया कि यार अगर चलो ठीक है ऑडिशन दिया आपने आपको एक फिल्म मिल गया लेकिन वह सोशल मीडिया इम्पैक्ट में अगर मैं एक्टिव नहीं रहूँगा तो सोशल मीडिया में जब मैं आया तो मुझे ये लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए सो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूब चैनल बाई नेम इज़ वाह वुमन इट वी स्टार्टेड इन अप्रैल लास्ट ईयर इन फैक्ट वी हैव गॉट अराउंड फाइव हंड्रेड थर्टी समथिंग सब्सक्राइबर्स लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत मिला मुझे इम्पैक्ट क्या मिला कि uh, मुझे पर्सनली शायद ना मिला हो लेकिन बिकॉज दैट इज़ फॉर वुमन एंटरप्रिनर्स और वो चैनल एक ऐसा चैनल है जो वुमेन जो आज घर से काम कर रही है उनके लिए है तो एक आध इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि सर मैंने उनका वीडियो अपलोड किया एंड उनके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए क्लाउड किचन था आई फेल्ट हैप्पी आई फेल्ट दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन टू डेज वर्ल्ड इट हेल्प्स इट हेल्प्स फॉर योर बिजनेस वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग आप ट्रैवल में हो आप होटल हो आप होटेलर हो आप कुछ भी इंडस्ट्री में हो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल आई मीन यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म इवन फॉर पॉडकास्टिंग ऑल्सो तो वीडियो पॉडकास्ट के थ्रू आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं ये मुझे समझ आया अब उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ पर्सनली फ्रॉम फॉर माई लाइन कि मेरे को लोग अब पहचानना शुरू कर दिए एक्टिंग में तो जानते ही थे मेरे को आउटसाइड द वर्ल्ड भी लोग जानना शुरू कर दिए उसके बाद मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया सर ऑडियो पॉडकास्टिंग वीडियो पॉडकास्टिंग सॉरी वो तो मैंने बताया बाबू मन आ गया फिर मैंने अपने आप को चेंज किया आई केम इन टू ऑडियो वन फाइंड एन वन ऑफ द डायरेक्टर्स टोल्ड मी के आपकी वॉइस बहुत अच्छी है आपकी वॉइस में बेस है तो आप वॉइस ओवर्स क्यों नहीं करते नॉट डू इट एक्टर तो एक्टर तो है ही तो मॉडुलेशन से मालूम है कैसे करनी है इमोशंस कैसे लेके आने तो वो भी किया दैन आई केम इन टू ऑडियो पॉडकास्टिंग और मैं तो बल्कि अब ये मानने लग गया हूँ विद अथॉरिटी ऑफ माई ओन सेल्फ राइट ट्रेवल से अगर मैं सिर्फ बात करूँ बाकी तो हर जगह सेम चीज होगी फ्यूचर जहाँ पर कस्टमर को दिखाया जाएगा एब्सोल्युटली कि पॉडकास्ट के ज़रिए अ डेस्टिनेशन विल बी डिस्क्राइबड एब्सोल्युटली यू कैन मेक द चेंजेस वेरी क्विकली एंड जो ट्रेवलर है वो मोर इन्फॉर्म्ड हो जाएगा यूट्यूब ने इतना सारा हमें चांस दिया है Absolutely. और इवन मेरा ये पर्सनल मानना है और मैं खुद इसको फील कर रहा हूँ कि हमको इंडस्ट्रियज तो नहीं है ना उतना मन है कि हम बर्न कर सकते हैं राइट इन दी एड्स एंड वेज। बट थ्रू सोशल मीडिया मैं अपने आप को मेंटली अपनी बात कह सकता हूँ क्योंकि उसकी कॉस्ट लिमिटेड है राइट एंड आई कैन अफोर्ड टू मेक पॉडकास्ट एंड अफोर्ड टू टेल पीपल एंड आई सी फ्यूचर आगे से पॉडकास्ट के थ्रू चलेगा जब हम टोटली totally ट्रेवल की बात करें एंड आपकी जर्नी में आपने जो अपना जो बनाया है जी वन नंबर से लेके आप 4.9 मिलियन तक आपके व्यूज़ आए हैं बिल्कुल सर विच इज़ ए वेरी बिग थिंग एब्सोल्युटली सो हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड व्हाट डू यू फील कि यस हाउ वुड द टीवी पॉडकास्ट टेक अस फर्दर एंड ये व्यूज़ कैसे आए आपके पास में इतने सर दो चीज़ें हैं आजकल जैसे मैंने बोला कि हमें टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना है सो वीडियो पॉडकास्ट मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया बाय द नेम ऑफ वा वुमन क्योंकि एक्टिंग एज अर्स एड कि रोज़ रोज़ -रोज नहीं होती याट फिल्म रोज़ नहीं होते सो मैंने स्टार्टेड दिस वीडियो पॉडकास्ट दिस वॉज यूट्यूब एंड चैनल नेम इज़ वा वुमन अब ये वुमन एंटरप्रनोर्स के ऊपर था मुझे अपने आप मेरे को कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना है खैर जो दिखाओगे वही बिकेगा जो दिखेगा वो भी दिखेगा।, दिखेगा तो मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं एक्टिव रखना है और सोशल मीडिया से बढ़िया कोई जगह है ही नहीं जहाँ आप अपने आप को एक्टिव नहीं रख सकते या रख सकते सो मैं आई डिसाइडेड कि मेरे को आई वॉज डिसाइडिंग कि यार कोई क्या चैनल क्रिएट करूँ सो आई थाट अबाउट दिस वुमन एंटरप्रेनोर्स वुमेन चैनल जो मेरा इसके ऊपर हम वुमेन एंटरप्रेनोर्स को प्रमोट करते हैं एंड जो घर से काम करती हैं जो जिनको लोग नहीं जानते हैं क्योंकि इंटरव्यूज़ तो बहुत लेते हैं लोग सो so ये एक मुझे जरिया नज़र आया कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग नाउ कमिंग बैक टू दैट रील जो 4.9 मिलियन गया था इंस्टाग्राम yeah. uh, पे आई एम प्री एक्टिव मैं क्योंकि अपने वॉइस ओवर की रील्स बनाता हूँ सो ये बात है सर दो नवंबर बाईस नवम्बर की लास्ट ईयर टू थाउजेंड मैं जब रील बना रहा था तो एक uh, क्योंकि मैं कोर्ट्स के ऊपर कोर्ट्स पर वॉइस ओवर करता हूँ बहुत अच्छा कोट मुझे नजर आया और मैंने उस पर रील बना डाली वॉइस ओवर दिया अपना, समय लग रहा है गलती कर दी थी mm -hmm. मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन होता है कि आपको शेयर दिस रील ऑन फेसबुक आल्सो राइट वो मैंने ऑन किया हुआ था mm -hmm. तो वो फेसबुक पे भी चला गया तो डबल इम्पैक्ट अब वो उसमें फाइव मिलियन में से मेरे ख्याल से तीन मिलियन सिर्फ फेसबुक के व्यूज़ हैं राइट सो सी द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया या एंड उससे मुझे और क्या फ़ायदा हुआ मिलियन में व्यूज़ आना है फाइनेंशियली मुझे क्या गेन हुआ मेरे को वॉइस ओवर का काम मिलना शुरू हो गया उससे सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया टुडे जो मेरे को नहीं जानते थे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी मेरी इंडस्ट्री के लोग थे बोले यार इसकी आवाज़ चाहिए मेरे को उन्होंने मुझे कॉल किया कॉन्टैक्ट किया डी किया सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया फॉर एनी बिजनेस नाउ You have to, have to be मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ वैसे अगर मैं आपको अगर आप एतराज ना हो तो आपको वो लाइनें सुना के बता जो रीज अगर मेरे को शायद याद हो तो कि वो मैंने रील जो बनाई थी लोगों को शायद पसंद भी आएगी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा रिश्ता उसी आत्मा से जुड़ा होता है जिसका पिछले जन्म से कोई रिश्ता हो वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है सख्त हाथों से उंगलियां भी पकड़ी हुई hmm. छूट जाती है right. क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं सो दिस वॉज द इम्पैक्ट अब वो पोइट्री किसी को बहुत अच्छी लगी वो सो दैट वॉज दिस इज दिस इज़ अ रील एक दो और है रील जो 1.5 1.6 मिलियन बट लाइंस मुझे याद नहीं है अभी क्योंकि रोज़ इतनी बनाता हूँ कि हर कोई याद नहीं रहता बट ये इम्पैक्टफुल थी इसलिए मुझे लाइंस याद हैं अभी भी मैं जी आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि ये मैंने इफ़ेक्ट जब से मैंने शुरू किया है नज़र आ रहा है मुझे जी और इंटरनेट सोशल मीडिया इनिशियली जब आया था तो एक बहुत बड़ा थ्रेट लगता था एब्सोल्युटली और हम अपने कॉन्फ्रेंसेस में कई बार ये टॉपिक भी रखते थे डिफरेंट फोरम्स इज इंटरनेट ए थ्रेट और ए बूम जी अब हम सारे को एक्जिस्ट कर रहे हैं इंटरनेट का बिज़नेस अपने हिसाब से है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस अपने हिसाब से इंटरनेट की अगर मुझे परिभाषा देनी हो तो मेरी परिभाषा ये है डूइंग बिजनेस विद द अननोन राइट और इनिशियली मैं ये समझता था कि अननोन से कोई आदमी क्यों बिज़नेस करेगा क्योंकि पहले तो कोई भी हो चाहे राशन की शॉप हो या कोई भी शॉप हो जब तक आप उस इंडिविजुअल को जानते नहीं थे आप बिजनेस नहीं देते थे ट्रू लेकिन फिगर सब इतनी बदल गई हैं कि अब अननोन से बिजनेस बहुत आता है और मैंने खुद बहुत अच्छी इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसिस में आपसे एग्री करता हूं और एक लॉजिक भी है मेरे को भी समझ आता है बड़े बड़े एक्टर्स को देख लीजिए जो आज एक ह्यूज पर्सनैलिटीज है दे आर अ ब्रांड इन देम सेल्व वो लोग तक इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड यूट्यूब पे Reels. वो लगा एक्टिव है रील्स पे एक्टिव है क्यों एक्टिव mm -hmm. है mm -hmm. और उनके पास पैसों की कमी है इट्स नॉट अबाउट मनी इट्स अबाउट बीइंग अलाइव एंड टेलिंग पीपल के वी आर देर यू नीड टू शो समथिंग यू नो आप ये दिखा रहे हो कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ आई एम डूइंग समथिंग मेरी लाइफ में ये चल रहा है बिकॉज जब जो व्यूअर होता है ना उसको ये इंटरेस्ट ज़्यादा है कि ये कर रहा है मुझे या तो सुनने में अच्छा लग रहा है एक चीज़ है या तो उसको सुनने में अच्छा लग रहा है hmm. या उसको देखने में अच्छा लग रहा है सो दिस इज़ द वे दैट इफ़ यू आर नॉट एक्टिव आप अगर वहीं रहेंगे जहाँ हैं आप ग्रोथ कभी नहीं कर पाएंगे जैसे हम बात कर रहे हैं और आज इस पॉडकास्ट का हमारा एक रीज़न ये भी है टू मेक पीपल अवेयर कि वाई अ पॉडकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप वेरी वेरी लॉजिकल पॉइंट हम इस पे जब डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके ही इंडस्ट्री के हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं जैसे आपकी इंडस्ट्री ट्रैवल इंडस्ट्री है आई मीन आई वुड सजेस्ट अ लॉड ऑफ पीपल जो आपसे आप रिलेटेड होंगे इवन इधर इट इज़ होटेलेस और बैंक टूर ऑपरेटर्स उनको भी अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहिए जो भी सर्विसेज है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिएट योर यूट्यूब चैनल ग्रो आउट टेल पीपल कब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे या रेफरेंसेस के ऊपर बिकॉज दिस इज़ द प्लेस यूट्यूब हो गया इंस्टाग्राम्स हो गए ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को पावरफुली प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेज को दिखा सकते हैं दिस इज़ एप्सुलटीम दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग नाउ डेज या स्पेशली यूट्यूब ने और यूट्यूब ने देखिए घर बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है और वो बिजनेस मिले चलो मिलेगा तो अच्छी बात है लेकिन नहीं मिलेगा और आपके अगर व्यूअर्स अच्छे हो गए आपके सब्सक्राइबर अच्छे हो गए तो आपको पेमेंट भी देता है वो दे शेयर देयर रेवेन्यू सो इन इन बोथ द सेंस इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग Uh, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जी सर बट इट इज़ डेफिनेटली फॉर द व्यूअर्स जो कि अभी तक इस फील्ड में आए नहीं हैं जी एनी यूट्यूब चैनल के अंदर में बड़ा क्रिटिकल है टू नो कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं जी वो आपको डेली अपडेट आता रहता है जी प्लस आपको कितने व्यूज़ हैं वो भी पता चलता रहता है जी कितने आवर्स आपकी कंज्यूम हुई है वीडियो uh, यस yes. वो भी आपको आफ्टर एवरी फोर्टी एट आवर्स आप इट इट गिव्स गिव्स यू यू यस जितनी आप डालते रहेंगे कौन सी टॉप है कहां पर वो एकदम ऑल ऑफ सडन स्पाइक ले रही है राइट right. कहाँ पर वो डिप ले रही है किस मिनट से लेके किस मिनट तक वो हाइक ले रही है या डिप ले रही है यस yes. आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है बिल्कुल सर मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं किस कंट्री से देखा जा रहा है कितनी परसेंटेज से देखा right, जा right, रहा है right, right. स्टूडियो है जो कि उन्होंने बनाया हुआ है hmm. जिसके बेसिस पर वो ये सब कुछ Bilkul. बताते हैं एंड इट इज सो इजी टू सी इट इनिशियली हो सकता है आपको हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन लगेंगे टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। राइट कि ये सब कैसे चलता है absolutely, absolutely, तो इतना अच्छा एक ये मॉडल आ गया है हम कॉमन लोगों के लिए तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉडकास्ट एक पार्ट है जी इसको आपको जब वीडियोस बनानी होती हैं तो क्या क्या एक इंडिविजुअल को ध्यान रखना चाहिए एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए ताकि वो अगर इंस्पायर हो आपसे जी तो वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे ताकि एक अच्छी वीडियो को वो अपलोड कर आ, मैं बहुत बेसिक चीज़ों से शुरू करता हूँ एक जब आप एक प्लानिंग करते हैं वीडियो बनाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है आपकी उसमें सबसे पहले होता है कि आपको स्क्रिप्टिंग आपकी बहुत जरूरी है स्क्रिप्टिंग इन द सेंस ये नहीं कि चूँ क्या आपने बोलना है right. स्क्रिप्टिंग इन द सेंस कि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा yeah. आपने किस टॉपिक पे बोलना है क्या बोलना है एंड सेकेंड आता है सर एस्थेटिक्स राइट एस्थेटिक्स के अंदर आता है आपका वेयरिंग खुद का यू नीड टू बी प्रजेंटेबल एंड यू नीड टू बी कैमरा कॉन्शियस कैमरा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए आपको अगर आपने बोलना है तो बोलना है हाँ कई अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पा रहे तो यू कैन यूज़ वॉइस ओवर्स वॉइस ओवर्स अगर आपको लगता है नहीं बोलते हैं अगर आपका कुछ प्रोडक्ट दिखाना है और आपको लगता है कि आप कैमरा नहीं फेस कर पाएंगे तो सो वन इज़ दिस सेकेंडली गुड ऑडियो विच इज़ वेरी एसेंशियल आई हैव सीन यूट्यूब चैनल्स वेयर ऑडियो का नाम तो कुछ भी नहीं है hmm. मतलब देर इज़ नो माइक देर इज़ नो बैकग्राउंड कुछ अच्छा hmm. नहीं है वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं अजीब अजीब सी सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू लुक एट एंड देन द कैमरा क्वालिटी राइट यू कैन शूट इट विद डी एस एल आर अगर आपके पास बजट उतना नहीं है तो शुरू में यू कैन यूज़ अ मोबाइल फ़ोन ऑल्सो मोबाइल से बहुत अच्छे पॉडकास्ट बनते हैं मैं खुद मोबाइल से बनाता हूँ आई गोट अ वेरी हाई क्वालिटी एंड मोबाइल सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये बेसिक्स हैं एंड देन क्योंकि अब अगर यूट्यूब के लिए बनाएंगे तो यू नीड टू सी जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक अगर यूज कर रहे हैं सो यू मेक श्योर के आपके पास यूट्यूब ऑथोराइज ऑडियो लाइब्रेरी से वो डाउनलोडेड हो इट शुड नॉट बी कॉपी आपका स्ट्राइक आ जाएगा और आपका उसमें यूट्यूब अप्रूवल नहीं देगा कॉपी क्लेम कर लेगा बिल्कुल mm सो -hmm. mm -hmm. so वो ये छोटी चीज़ें हैं जब कोई भी यूट्यूब चैनल शुरू होता है या करना है किसी को तो ये चीज़ों का ध्यान रखे एंड देन आई थिंक ये तो बेसिक चीज़ें हैं अगर यार बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जी आइडिया भी हमारा यही है कि आज हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि आ, बेसिक्स क्या हैं जब वो स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली दे विल लर्न बाय देम सेल्स एंड मे देन दे बिकम मोर फास्टर देन अस एवरीबडी आई फील इज मोर इंटेलिजेंट देन लीस्ट जी, uh, feel, me, जी. Uh, तो यस yes, ये है और टीवी पॉडकास्ट के साथ साथ में मैं एक और चीज़ जो कि ऐड करना चाहूँगा जी कि आपका जो चैनल है वो अगर किसी पर्टिकुलर नाम से आपने डिफाइन किया हुआ है hmm. तो वो उस सब्जेक्ट पर अगर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा मतलब मीन फोकसिंग राइट रिस्ट्रिक्टेड बट फोकसिंग राइट देन द व्यूअरशिप विल बी मोर इन एन ऑर्गेनिक मैनर एब्सोल्युटली सर आई टोटली एग्री विद यू ऑर्गेनिक ही ग्रोथ है जो कि आपको आगे लेकर जा सकती है एब्सोल्युटली सर इसीलिए तो मैंने बोला ना बेसिक्स बेसिक बेसिक में आपका जब स्क्रिप्ट आपकी तैयार है स्क्रिप्ट इन द सेंस कि आपने आपने एक आपको पता है कि आपने किस बारे में बात करनी है अगर आप उससे थोड़ा हट के चले गए ना तो आई थिंक आपका सक्सेस नहीं आएगा वहाँ और इसमें मेरे ख्याल से एक दो चीज़ें जो बड़ी है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि एज ए सैट की सेम टाइप का कंटेंट है डिफरेंट टाइप मतलब इन देंस की डिफरेंट टॉपिक राइट बट इन दैट सेम फील्ड राइट तो ऑटोमेटिकली व्यूअरशिप बढ़ेगी और जब हम बनाते हैं इसको तो एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आ, है आई एम श्योर आप मुझे इसके साथ में और ऐड करेंगे कि इनिशियली जिसे वर्ड कहते हैं हम हुकॉन राइट वो पहले डेढ़ दो मिनट के अंदर में आ जाना चाहिए नहीं तो गैस छोड़ जाएगा अभी और छोड़ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सर किसी भी कोई भी चैनल का वीडियो चैनल या वीडियो पॉडकास्ट का या कुछ भी, भी आप वीडियो बना रहे हैं ये सोशल मीडिया का एक बेसिक ग्राउंड रूल है yeah. या नॉट फ्रॉम द चैनल्स परस्पेक्टिव या मतलब फ्रॉम यूट्यूब परस्पेक्टिव और फ्रॉम इंस्टाग्राम और फेसबुक परसपेक्टिव फ्रॉम दी लिस्नर्स परसपेक्टिव या कि आपका फर्स्ट थर्टी सेकंड्स फर्स्ट वन मिनट अगर कैची नहीं है नो बडी विल स्टॉप देयर एंड सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट वो वहीं yeah. पर बंद करके चला जाएगा सो so, uh, जैसे YouTube के बारे में जब बता रहा था किसी पॉडकास्ट के बारे में सो फर्स्ट थर्टी सेकंड एंड वन मिनट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्लिक करके रखना है इट्स लाइक अ क्लिप या

कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ बिल्कुल 2000 भी आया तो ये डर लगने लग गया कि क्या फर्स्ट जनवरी 2000 को कंप्यूटर्स चलेंगे कि चलेंगे नहीं एक दौर आया था Millennium बोलते थे उसको मिलेनियम बोलते थे एंड फियर फैक्टर पूरे वर्ल्ड में था यस yes. वो जर्नी निकली कंसोलिडेट होता गया कंप्यूटराइज सिस्टम राइट फिर आया कोविड ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स कोविड जब आया तो पूरे वर्ल्ड को समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है सब कुछ थम गया थम गया तो करें क्या वॉट नेक्स्ट राइट वॉट नेक्स्ट में आया वेबिनार्स राइट right. मैं एक उसका आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हम वन ऑफ दी हॉलीवुड कंपनीज के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे थे mm -hmm. हमारा रोल सिर्फ ट्रैवल का ही रिस्ट्रिक्टेड था राइट बट वी हैड द बिगेस्ट ऑफ द नेम्स जो कि उस एड को बना रहे थे एक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर्स अब वो जब वो शूट कर रहे थे तो हमें समझ में नहीं आया कि ये शूट है क्या डिस्पाइट बींग देयर फॉर फिफ्टीन डेज आई कुड नॉट विजुअलाइज इट वो एड क्या था कि समबडडी पढ़ा रहा है ऑस्ट्रेलिया में ब्लैकबोर्ड hmm. पर बच्चे पढ़ रहे हैं हांगकांग में भी वही शूट उसी टाइप का हुआ लद्दाख में भी उसी टाइप का शूट हुआ okay. यूके में हुआ फिर वो कनाडा में हुआ तो हमने समझने की उस एड को कोशिश करी लेकिन हमें समझ में नहीं आया डायरेक्टर से हमने पूछा हमारा फ्रेंड था कहता जो आज हम ऐड बना रहे हैं ये आप देखेंगे इन नेक्स्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर्स में प्रैक्टिकल शेप कि आप पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर पे कोई अपने घर बैठा है टीचर हो सकता है आपको केरला से फॉर एग्जांपल पढ़ा रहा हो बट आप लद्दाख में पढ़ रहे हैं और वो जब मुझे समझ में आया कि ये एड क्या है वो पीरियड था कोविड का वो कोविड में आपको समझ आया कोविड में समझ में आया थ्रू वेबिनार्स के थ्रू कि यस इस एड का मतलब क्या है एंड इट वॉज मेड द वेरी बिग एंड वो लोग कितना फ्यूचर को उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था दस पंद्रह साल पहले एग्जैक्टली exactly. तो उन स्क्रिप्ट राइटर्स की उन लोगों ने उस कंपनी में जिन्होंने अप्रूव किया कि यस ये फ्यूचर हम भी देखते हैं जी एंड ए बिग बजट वाज देयर फॉर दैट एट पंद्रह दिन तो रफली उन्होंने दिल्ली इंडिया में ही लगा दिए बाकी और प्लेसेस तो अलग बात है और हर चीज़ एक पीरियड के बाद में भी डिकेड फिफ्टीन ईयर्स के बाद में बिल्कुल सर टेक्नोलॉजी मूव करती है वॉट नेक्स्ट आई एग्री अब आप दो टी वी पॉडकास्ट इज एन न्यू थिंग बट ये स्टिल टेन फिफ्टीन ईयरस ए राइट इसका फ्यूचर भी बदलेगा बिल्कुल बदलेगा सर आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं इस वक्त कि ये फ्यूचर इसका भी आगे आने वाला है सर मेरी अगर जहाँ तक सोच कहती है इसका आगे जो चेंज ओवर आएगा क्योंकि हर एक इंडस्ट्री की जो मीडियम्स होते हैं उसका एक थ्रेश होल्ड पॉइंट होता है मतलब एक पीक लेवल पर जाता है देन इट कम्स डाउन सो टेन ईयर्स डाउन द लाइन आई थिंक वीडियोज़ मे नॉट बी मच तैर आई थिंक ऑडियो पॉडकास्ट जो है वो एक सक्सेस होने वाला है उसका रीज़न ये है कि आज की जिस हिसाब से हमारी दुनिया चल रही है इतनी भागा दौड़ी चल रही है लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं रहना कि वो वीडियोस देखें yeah. वो सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे mm -hmm. और अभी भी अगर हम देखें तो यूएस uh, में अगर आप यूएस का डेटा निकाल के देखें या जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं हर दूसरे घर के अंदर एक पॉडकास्टर बैठा है घर के अंदर हुँ, हुँ. उनकी अर्निंग वहाँ से हो रही है बिकॉज दे नो दैट दिस इज द फ्यूचर राइट एंड टुडे दस ईयर दस साल बाद इंडिया में पॉडकास्ट ऑडियो पॉडकास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑडियो पॉडकास्ट विल बी द थिंग अगर जिसने आज अगर अपने आप को चेंज कर लिया अपने आप को ऑडियो पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर लिया दस साल बाद वही होगा जो आज यूट्यूब है या कोई भी वीडियो चैनल बना रहा है राइट तो दो साल बाद मैं वो देखता हूँ एंड ग्रेस ऑफ गॉड आई आया क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ गाड़ी जब चलाता हूँ तो मैं अब रेडियो ज़्यादा नहीं सुनता हूँ मेरे को लगता है यार कुछ सूदिंग सा सुनने को मिल जाए सो इमीडिएटली so, मैं स्पॉटिफाई ऑन करता हूँ और कोई ना कोई पॉडकास्ट है जो कि आधे घंटे पंद्रह मिनट की सीरीज होती है एक के बाद एक के बाद एपिसोड चलते रहते हैं आई एन्जॉय दैट क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है सुनने को अच्छा लग रहा है सो दैट इज़ द फ्यूचर आई थिंक या आपने जो कहा मैं अपनी लाइफ की रील को पीछे ले जाऊं तो ट्रांजिस्टर्स रेडियो रेडियो ट्रांजिस्टर्स होते थे और मैंने तो वो वाले देखे हैं जिसके अंदर में ट्यूब लगती थी जी फ्यूज़ हो जाते थे फ्यूज हो जाते थे और पीछे मैं किसी से बात कर रहा था समेर इन जयपुर मोस्ट प्रेवली राजस्थान में कोई एक इंडिविजुअल है जो कि सिर्फ पुराने रेडियोस को रिपेयर करके माय oh गॉड, उनको बेचते हैं जी आज भी उसकी डिमांड है क्योंकि कितने नए चैनल्स आ गए नए चैनल्स आ गए सो देर इज देर इज़ ऑलवेज गोइंग टू वे डिमांड फॉर दी ऑडियो पार्ट बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपडेटेड रहना चाहिए और कोई भी इंडस्ट्री हो चाहे हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री हो या आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री वी नीड टू बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए नॉट इवन एनी कोई भी बिजनेस हो या कोई भी रिटेलर हो कुछ कुछ भी हो जो भी आप कर रहे हैं अपने आप को टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करना आज की डेट में सोशल मीडिया एम टॉकिंग टोकिंगाउट नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एज कोई ऐप वैप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया की बात कर करूँ हंड्रेड परसेंट होना चाहिए अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे वक्त के हिसाब से तो देन आई डोंट थिंक सो देर इज एनी इम्प्रूवमेंट दैट और एंड या कपिल जी i would like to say thank you very much. pleasure is all for mean, giving sir. us a good knowledge. my pleasure is always. to a future covid predict. thank you very much again from our thank channel. You, thank, venue. You. Thank, you thank you so deep. much, sir, for your kind words. and it's it's been a pleasure uh, having a word with you. and uh, so i would like to say a few lines, guys. Yeah. Uh, first of all, uh, thank you so much, sir, once again. and. मेरी तरफ से एक सर रिक्वेस्ट है आप सबको जो कि इस चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू विजिट आर वेबसाइट वेन्यू डॉट इवेंट्स चेयर चेयर्स थैंक यू से लव यू थैंक यू